ओके तो चलो बेटा जो सेक्शन 4 में पीछे बॉयज है बेटा, यहाँ पे क्लास लगेगी बेटा, आप किसी और रूम में चले जाइए, है ना? ठीक यहाँ पे है। क्लास लगेगी तो फिर हमें डिस्टरबेंस होती है बेटा थोड़ा सा, है ना, बच्चों को भी। तो यू मे गो इन अनदर रूम। गर्ल एकदम क्वाइट, है ना, एकदम। अब हम ना सेक्शन 4, द गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर्स, बॉयज। बेटा आपकी इतनी सी आवाज, आप तो धीरे बोलते हो बट हमें यहाँ पे बहुत तेज सुनती है, ठीक है। दूसरे रूम में भी बहुत ऊंची आवाज आती है, तो बिल्कुल एकदम शांति, राइट। बस बस सेक्शन 4 बेटा एकदम क्वाइट। चलिए ना, अब ये नहीं कि भी हमने माइक ऑफ कर देना है, अभी हमने बातें करनी है, हमने माइक ऑफ कर देना है, ठीक है, कोई बात नहीं। करेंगे करेंगे, अभी बचे। चलिए चलिए एवरीबॉडी, सेक्शन 3 स्टूडेंट्स, सेक्शन 4 स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव गिवन टेस्ट यस्टरडे, यस। तो इट वाज, यू हैव डन वेरी वेल, ऑल ऑफ यू आई होप वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस पे मैं ये सोचती थी कि ये नहीं बच्चे कर पाएंगे, बट यू हैव डन नाइसली, ठीक है। बहुत सारे जो है आपने क्वेश्चंस, विच आई एक्सपेक्टेड कि यू मे डू इट रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव डन दैट दोज क्वेश्चंस करेक्टली। सो दिस धन्यवाद। सपोज दैट यू स्टूडेंट्स आर क्वाइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा हम जो है वी विल यू नो रिवाइज दिस चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स इन ए डिफरेंट वे। इज इट ओके, आर यू रेडी? चलिए अब पहले एक बार सीधे बैठिए, सिट स्ट्रेट, पीछे एकदम, बैक स्ट्रेट, एवरीबॉडी राइट। तो क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। बेटा हाथ नीचे, हाथ नीचे, सीधी कमर, आंखें बंद, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। हर कोई कैसे, लंग्स कैसे मूव कर रहे हैं, डायफ्राम कैसे मूव कर रहा है, सो ट्राई टू डू दैट। अच्छा एवरीबॉडी क्लोज आईज एंड ऑब्जर्व, डीप इनहेल, थोड़ा सा जोर से अंदर सांस लो और धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है। अगेन डीप इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली, एंड थर्ड टाइम अगेन इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। नाउ ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। सो वी इनहेल एयर, यू नो एयर, एयर, व्हाट डज द एयर कंसिस्ट ऑफ? यस, जल्दी से, शुभम, स्नो ड्रॉप, शुभम, शुभम मुझे बताओ बेटा, यस व्हाट डज द एयर कंसिस्ट ऑफ? मैम,
एयर क्या कुछ होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। कार्बन, बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, ओनली शुभम विल टेल। यस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन एयर हैज टू गैसेस ओनली, ओके, यस और नो? नो मैम, नो। एयर हैज अदर गैसेस आल्सो? ओके यस मैम। ओके शुभम, वेरी गुड, बैठो बेटा। सो एयर है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट आउट ऑफ दोज गैसेस वी नीड ओनली, यस वी नीड ओनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सो व्हाई ऑक्सीजन? यू हैव सीन ड्यूरिंग कोविड द ऑक्सीजन बिकेम सो कॉस्टली एट दैट टाइम, राइट? एंड द प्लांट्स दे गिव अस ऑक्सीजन फ्रीली, बट व्हाई? एंड यू नो ड्यूरिंग कोविड टाइम मेनी पीपल डाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू दैम, राइट? दे डिडंट गेट द ऑक्सीजन सिलेंडर्स ड्यू टू विच दे सफर्ड फ्रॉम द कोविड एक्सट्रीमली एंड दे डाइड, राइट? सो वाई ऑक्सीजन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? वट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अवर बॉडी? यस, हु विल टेल मी? युगम जैन, डेलिया, युगम इज देयर? आ जाओ युगम, जल्दी से, सेक्शन फोर में है, आ जाओ जल्दी से। व्हाई ऑक्सीजन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस युगम? फॉर लिविंग लिविंग तो ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। इफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर वी विल डाई, फॉर अवर सर्वाइवल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, बट वट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अवर बॉडी? युगम आप बैठो बेटा, यस बैठो, यस। सेक्शन थ्री, रेज योर हैंड्स, हु नोज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन? यस, देयर इज इन लास्ट, देयर इज वन बॉय इन स्ट्राइप्ड, ब्लू स्ट्राइप्ड आई थिंक, यस कम क्विकली। बेटा फर्स्ट टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी द आंसर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, ओके, बट यू नो इफ आई एम ए नॉन साइंस स्टूडेंट, आई डोंट नो व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग, आई डोंट नो। टेल मी इन डिटेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन हेल्प द is used by the cell to break down the glucose. यस, वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बेटा, वेरी गुड। सो व्हाट इज द फंक्शन? युगम ध्यान से सुनना है बेटा, सेक्शन फोर स्टूडेंट्स ने, कि ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ब्रेक्स द सिंपल फूड ग्लूकोज टू लिबरेट एनर्जी, राइट? सो सो ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। एज ऑक्सीजन ब्रेक्स सिंपल फूड सच एज ग्लूकोज, टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी। सो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी। अनदर इज डाइजेशन, इट इज ऑल्सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड,
Can anybody give me the answer? What is the difference between digestion and cell respiration? Raise your hands, jaldi se. What is the difference between digestion and respiration? Yes, there is one student in section 3. Come forward quickly. Yes, you come. हाँ जी, व्हाट इज, पहले व्हाट्स योर नेम बेटा? कार्तिक। ओके कार्तिक, ओके कार्तिक, नाउ टेल मी। मैम इन रेस्पिरेशन दैट द फूड इज ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर बट इन डाइजेशन द फूड इज टोटली डाइजेस्टेड एंड द बेस मटेरियल गेट्स आउट फ्रॉम एनस। बेटा यू टोल्ड मी दैट इन रेस्पिरेशन द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल फूड सिंपल शुगर। सिंपल शुगर। अब इधर देखना कार्तिक, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, तो यहाँ पे सिंपल शुगर तो कहीं पर भी नहीं बन रही, एनर्जी एनर्जी। अब बैठो बेटा कार्तिक, ध्यान से, अब मैं बताऊंगी कि क्या है, तो ध्यान से सुनना है आपने। सो लिसन हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, because you have done digestion, you have done respiration, cell respiration. सुनना है। और हमने जो बेटे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पहले बहुत, मतलब यू नो हंड्रेड ऑफ इयर्स बैक, व्हाट हैपेंड कि भाई जो ये हमारे ग्रंथ थे, जो थे सिर्फ लोगों को याद, सुनकर याद रहते थे, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सुनाए, उन्होंने आगे आगे करके, और उन्हें याद रहते थे। लिखने का काम नहीं था, लिखने का काम बहुत बाद में शुरू हुआ। तो हमने भी ये जो 2-3 क्लासेस लगेंगी फिलहाल डेली, सो हमने सुनने पे, हमने अपने मेमोरी सेंटर पे ज्यादा ध्यान देना। आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? सुना नहीं है बेटा, येस और नो तो आंसर देना है ना। अपने ब्रेन में हमारा एक मेमोरी सेंटर है, हमने उसको 100% एक्टिवेट रखना है। एंड होल ऑफ दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड, सो यू कैन विजिट दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब। हमारा यूट्यूब चैनल है के एडुकॉन ई लर्निंग, आई विल टेल यू लेटर ऑन ऑल्सो। बट डाइजेशन, डाइजेशन क्या है बेटा? लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इंटू ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। सो व्हाट इज दिस? ये जो है हमारा, दिस वन, ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स फूड। एंड दिस इज सिंपल फूड। सो डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपल फूड, वेयर एज सेल रेस्पिरेशन हियर सिंपल शुगर्स यू कैन से बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, वी कट द ट्री ब्रांचेस, हम किसी ट्री की ब्रांचेस को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। बड़े फूड पार्टिकल्स के बीच में हमने बॉन्ड्स काटे और उनको सिंपल फूड में चेंज किया, दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। वेयर एज रेस्पिरेशन, उन छोटे छोटे लकड़ी के चिप्स को, पीसेस को हमने बर्न किया। बर्निंग के लिए यू नो दैट यू रिक्वायर ऑक्सीजन, राइट? सो बर्निंग रिक्वायर ऑक्सीजन। सो हेयर
simple sugars burn in the presence of oxygen to form energy, right? So what is the, now can anybody tell me what is the difference between respiration and digestion? Yes, yes beta, aa jao section 3 mein se. The girl, haan ji. Ma'am, in digestion, the complex food break down into simple food, whereas in respiration, the simple food breakdowns into glucose and it makes energy. Yes, simple food breaks down into simple food such as glucose, right? Breaks to form, you know, carbon dioxide and liberate energy. Is it okay? Section 4, boys, beta, seedhe hoke baith, beta. Seedhe hoke baith. Aise to peeth dukh jayegi. आगे को झुक के बैठोगे और सुनो ध्यान से, ठीक है? तो रेस्पिरेशन में फूड जल जाता है, यहाँ पे फूड फूड ही रहा, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में चेंज हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कार्बन, जैसे हम लकड़ी जला देते हैं उसके बाद लकड़ी बचती थोड़ी है, पूरी की पूरी जल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और बीच में हीट प्रोड्यूस होती है. राइट वाइज हेयर ऑल्सो द शुगर्स दे बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to form carbon dioxide, water and energy. Is it okay? Right. तो अब हम बात कर रहे हैं. So, next is we are doing respiration, and respiration, you know, what I had told you, that burning of glucose in the presence of oxygen. ये glucose कहां से आया और ये कहां पे जा रहा है? ये cells में जा रहा है. ये cell है हमारी body में. You know, our body is formed of millions of cells. In each cell, the glucose breaks in the presence of oxygen. तो ये oxygen कहां से आ रही है बेटा? ये आ रही है respiratory system, lungs में से. Lungs में से कहां पे गई? Blood में गई. And through blood, it comes in the cell. Is it right? So, the oxygen in the cells comes from the respiratory system. And in the respiratory system, you know, lungs, where the oxygen comes in the lungs, yeah, by which process the oxygen comes, yeah, enters in our body. Yes, any student? Section 4. Yes, there is one girl. Section 3. Yes, come forward. रेस्पिरेशन का एक और, कोई और स्पेसिफिक? ऑक्सीजन हमारे अंदर कौन सी प्रोसेस से आ रही है? इनहेलेशन. और वी कैन से ब्रीदिंग इन, राइट? सो ऑक्सीजन एंटर्स इन अवर बॉडी and carbon dioxide moves out of our body. Yes, everybody, by a process called as breathing. Is it right? ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा. ये आ जाओ सेक्शन 4 में से, फर्स्ट बॉय. यस, विद राइट रेड स्ट्राइप्स. आगे आ जाओ बेटा. क्या नाम है बेटा आपका दोबारा से? ओके. अच्छा, मुझे बता दो, अब ब्रीदिंग बता दो. व्हाट इज ब्रीदिंग बेटा? सिंपल, ब्रीद किया ना अभी आपने, मैंने यहां कहा था आंखें बंद करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो. व्हाट इज ब्रीदिंग?
अच्छा, ब्रीदिंग में दो चीजें आप करते हो, क्या करते हो वो बता दो। ब्रीदिंग में क्या दो पॉइंट्स क्या करते हो? आप यहाँ पे खड़े रहना बेटा 2 मिनट, है ना। द फर्स्ट गर्ल, यस कम फॉरवर्ड। इसी में सेक्शन फोर, नहीं आप नहीं बेटा, आप नहीं, आप नहीं, सेक्शन फोर में से। हाँ मैम, इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन। ठीक है, सो इनहेलेशन, व्हाट इज इनहेलेशन बताओ बताओ जल्दी से। यस आप बैठो बैठो, यस आप बैठो बेटा, आप भी बैठो, सुनना है ध्यान से। यस सेकंड बेंच, येलो शर्ट बॉयज, सेक्शन फोर, सेक्शन फोर। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सिंपल। इनहेल, बैठो बेटा, इन मतलब अंदर, इनहेल दैट इज टेकिंग एयर इनसाइड, एक्सहेल बाहर, गिविंग आउट सीओ टू रिच एयर आउटसाइड, सिंपल। इनहेल क्या हुआ, इनहेल टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर, एक्सहेल गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। बेटा क्रैमिंग की जरूरत नहीं, इन मतलब अंदर, एग्स मतलब बाहर। अंदर क्या लोगे आपको पता है, ऑक्सीजन रिच एयर, बाहर क्या निकालोगे सीओ टू रिच एयर। इज इट ओके, क्लियर, यस और नो बोला करो। यस ठीक है, सो दिस इज ब्रीदिंग हैज टू प्रोसेसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बस बस बातें नहीं, बातें नहीं। एक्सहेलेशन वी से वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, हाउ विल यू प्रूव दैट वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर? एनी स्टूडेंट जल्दी से, कोई और? इन बच्चों ने तो आंसर दे दिया, समबडी एल्स, सेक्शन थ्री सेक्शन फोर, हाउ विल यू प्रूव, कैसे किसी को दिखाओगे? मुझे साइंस नहीं आती, आपने मुझे कहा हम सीओ टू रिच एयर वी एक्सहेल, हाउ डू यू प्रूव, मुझे कैसे? मैं कहूंगी नहीं भाई, हम तो वी गिव आउट ऑक्सीजन रिच एयर, बट यू से नो आई विल शो यू दैट वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, हाउ विल यू शो दिस? एनी अदर, एनी अदर, इन बच्चों ने तो आंसर दे दिया, जो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया। यस हियर सेक्शन थ्री थर्ड बॉय, द बॉय विद द येलो शर्ट, हां जी जिसने हाथ खड़ा किया, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, वेरी गुड, थ्रू Some we can prove it through lime water. लाइम वाटर, वेरी गुड। सो बैठो बेटा बैठो, सो दिस अगेन मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर आपको रिएक्शन भी बताएंगे हम कि दिस इज लाइम वाटर। कैसे लाइम वाटर कैसे बनाया बेटा? हाँ मैं मार्केट से पान वाले से चूना ले आई, जो पान में लगाते हैं चूना लगाते हैं ना, तो वो ले आई, उसको हमने रात को पानी में रखा और फिर उसको बाद उसको हमने सुबह फिल्टर कर लिया, दैट इज लाइम वाटर, राइट? एंड इफ वी एक्सहेल, कैन यू सी इट, डज इट बिकम्स मिल्की, Yes, राइट? सो नाउ यू हैव प्रूव्ड मी कि भाई मैम वी एक्सहेल सीओ टू बिकॉज इट इज सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड विच चेंजेस लाइम वाटर टू मिल्की स्टेट। ठीक है, अब मुझे एक चीज आपने बतानी है कि सीओ टू चेंजेस लाइम वाटर मिल्की, ये आप सबको पता है, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज लाइम वाटर? ये आपने एसिड एंड बेसिस में जरूर किया है,
lime water is calcium hydroxide. This is calcium hydroxide. Everybody, एक बार अपने अंदर से बोलो कि lime water is क्या है lime water? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें ब्लो करेंगे तो क्या बनेगा? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. वेरी गुड. वन स्टूडेंट हैज गिवन मी द राइट आंसर. वेरी गुड. कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा. नाउ अब जो हम आपने मुझे क्या बताना है कि जो हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की, इज इट ए फिजिकल रिएक्शन और ए केमिकल रिएक्शन? क्योंकि फिजिकल केमिकल रिएक्शंस भी आप कर चुके हैं. यस, सेक्शन 4 एंड द बॉय विद द रेड शर्ट. यस, कम फॉरवर्ड. इट इज ए केमिकल रिएक्शन. वेरी गुड. व्हाई? वेरी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ए न्यू सब्सटेंस. एंड that is, you know, that is why this reaction is a chemical reaction. This is a chemical reaction. But why? Can you tell me again? There is one question. ध्यान से सबको पूछ रही हूँ कि is the calcium carbonate, यहाँ पे plus water, ये होता है, is the calcium carbonate soluble in water? जो कैल्शियम कार्बोनेट बना क्या वो सोल्यूबल है? यस और नो? जल्दी से विद आंसर आपने मुझे बताना है. ये मतलब विद रीजन बताना है. रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है ये. कैन एनीबडी टेल मी? यस, रेज योर हैंड्स. बेटा अगर हम, मुझे एक चीज बताओ, जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी सोल्यूबल है कि नहीं? है ना, इट इज सोल्यूबल. तो बाद में क्लियर सोल्यूशन होता है कि गंदा सा होता है? सोल्यूशन होता है. हम सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं पानी में, अगेन क्लियर सोल्यूशन है. तो इफ अ सब्सटेंस इज सोल्यूबल देन इट विल फॉर्म अ क्लियर सोल्यूशन. यस, द गर्ल इन सेक्शन 3. यस, कम फॉरवर्ड. इससे आपको पता चल गया, बैठो बेटा, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज नॉट सोल्यूबल इन वॉटर. वाई इट इज नॉट सोल्यूबल? यस, सेक्शन 4. बेटा किधर चले? ओके ओके, बैठो बेटा. चलिए जी, सो हमने क्या बताया कि दिस कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उसने कैसा सॉल्यूशन बना दिया था, मिल्की बना दिया है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्लियर नहीं है. अगर कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सोल्यूबल होता तो इट विल फॉर्म द क्लियर सॉल्यूशन. बट बिकॉज इट इज मिल्की, छोटे 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 थोड़े थोड़े से कण जो है कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें डिजॉल्व मतलब फ्लोट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज मिल्की. इट शोज दैट इट इज इनसॉल्युबल इन वॉटर. हम कहेंगे इट इज इनसॉल्युबल. कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल इन वॉटर. इज इट क्लियर? क्लियर हो गया. पहली बात तो जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट किया, इट इज ए केमिकल रिएक्शन.
and the lime water becomes milky because the new substance calcium carbonate is insoluble in water. That's why it is milky. Is it okay? चलिए जी, अब हम बात करते हैं, आपको यहां से पता चला केमिकल एंड फिजिकल का, एंड रेस्पिरेशन हैज टू प्रोसेसेस. वन इज ब्रीदिंग एंड अनदर इज सेल रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग इज सिंपली सांस लेना, सांस छोड़ना. ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. टेकिंग इन ऑफ, इनहेलेशन इज taking in of oxygen rich air and exhalation is giving out carbon dioxide rich air. And what is cell respiration? Cell respiration is बर्निंग ऑफ फूड. आप बर्निंग याद रखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, इट्स नॉट ब्रेक डाउन, यू कैन से बर्निंग ऑफ फूड. बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. वॉट एंड एनर्जी. नाउ इसमें से हु विल टेल मी, इज ब्रीदिंग अ केमिकल और ए फिजिकल प्रोसेस? यस, सेक्शन थ्री सेक्शन फोर, रेज योर हैंड्स. ब्रीदिंग, टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट सीओ टू रिच एयर, इज इट ए फिजिकल और ए केमिकल प्रोसेस? Yes, there is section four. First boy, yes, who has raised hands? Hanji. Physical. It is simply a physical process. Very good. No new substances formed. Air andar gayi. What happens? That through respiratory tract, air enters in lungs. लंग्स में पूरी एयर गई है और लंग्स में यहां पे है एयर, इट इज ब्लड वेसल्स. अब लंग्स में थोड़ी सी फिल्टर हुआ है कि ऑक्सीजन यहां पे गई है, पूरी एयर नहीं गई है. यहां पे लंग्स में क्या थी? एयर है, बट एयर में से ऑक्सीजन यहां पे गई है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली गई. राइट, तो इस तरह से सिंपल गैसेस इधर उधर मूव कर रही हैं, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, देयरफॉर ब्रीदिंग इज ए, यस एवरीबॉडी, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन? फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, there is no breaking of substance, no formation of any substance, right? So it is a physical process simply. And cell respiration, yes, section 4 mein se hi, first row mein se, the boy with the yellow shirt. Haan ji beta, aap mujhe bata do ki jo cell respiration hai, ye jo hai, ye physical process hai ki chemical reaction hai? Why chemical reaction? ठीक बोला है आपने, this is a chemical reaction, but why it is a chemical reaction? बेटा ध्यान नहीं दे रहे आप, आगे बैठे हो, वैसे तो पीछे भी ये काम नहीं करना चाहिए, बट
यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग. ठीक है, बैठो बेटा, बैठो बैठो, ध्यान से देना है अब, है ना. हमारे पास 20 मिनट्स है, पूरी कंसंट्रेशन यहाँ पर. ठीक. हाँ, एंड यू नो दो स्टूडेंट्स हु विल गिव द आंसर्स, हमने 3 दिन में सबसे आंसर्स पूछने हैं, एंड ऑन द फोर्थ डे द टॉफिज और द चॉकलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द आंसर्स. ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी. ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स में देख के हमने उनके लिए चॉकलेट्स या टॉफिज हमने भेज देनी. यस, सेक्शन 3. यस, जो इधर को बेटा येलो शर्ट में लड़का बैठा है, सेकंड बॉय. यस, कम फॉरवर्ड. नाम बताओ बेटा पहले, दोबारा सर से. ओके, नाउ टेल मी कि इज दिस अ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल प्रोसेस. दिस इज अ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. बिकॉज हियर जो बन रहा है, ये बन रहा है, ग्लूकोज इज लेफ्ट नोवेयर, देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट. सो होल ऑफ द सबस्ट्रेट्स, ये सब चीजें जो है ये चेंज हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में. देयरफोर अगेन बता रही हूँ, ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ गैसेस इधर से उधर, उधर से इधर जा रही है. वेयर एज सेल रेस्पिरेशन में फूड की बर्निंग है, ब्रेकडाउन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, एनर्जी बन रही है, देयरफोर इट इज ए केमिकल रिएक्शन. एवरीबॉडी इज इट ओके? ठीक Yes, है जी. एंड ऑल लिविंग सेल्स, यू नो ऑल लिविंग सेल्स रिस्पायर, सभी लिविंग सेल्स, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो ह्यूमंस है, राइट, उनमें रेस्पिरेशन होती है. नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट ऑन अर्थ किसी कारण से, बहुत ये हमने एक बहुत अजीब सी बात की है, बट लेट अस सपोज कि इफ देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट ऑन द अर्थ, विच ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग विल सर्वाइव. ऑप्शन ए है ह्यूमंस, ऑप्शन ऑप्शन बी है यीस्ट, ऑप्शन सी है इंसेक्ट्स, एंड सबको पता है अभी तो मैंने फोर्थ चॉइस लिखी नहीं. यस, इन सेक्शन 4, सेक्शन 4 लास्ट में जो स्टूडेंट बैठा है, फटाफट से आ जाओ, भाग कर आना है. जिसका हाथ खड़ा था लास्ट में. यस, आई थिंक देर इज अ गर्ल ऑन द सेकेंड लास्ट बेंच. आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, आ जाओ, जो भाग कर. यस, वेरी गुड. वेरी इसका गुड, वेरी गुड. हाउ, व्हाई यीस्ट विल सर्वाइव. हाँ जी, ये भी, हाँ आप ही बताओ. हाँ, क्यों यीस्ट क्यों सर्वाइव करेगी, बाकी सब मर जाएंगे, सिर्फ यीस्ट रह जाएगी, क्यों, ऐसा क्यों. बैठो, आप बैठो, आप बैठो. एनीबडी, यस, ही रेज योर हैंड, जितने सारे हाथ पहले खड़े थे. यस, जिसने सेक्शन 3 में से जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया वो आगे आ जाओ.
Because yeast? Because yeast, हाँ दोबारा से एक बार बताओ, कौन सी रेस्पिरेशन शो करती है यीस्ट? नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन? कैन यीस्ट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? बैठो आ बैठो आ बैठो, देर इज वन मोर बॉय स्टैंडिंग देयर, यस इन सेक्शन थ्री। एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज यीस्ट शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो अब हम कह रहे थे, अभी तक हमने कहा कि ग्लूकोज बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट रेस्पिरेशन जो है सेल रेस्पिरेशन दो टाइप्स की है। विच आर द टू टाइप्स ऑफ सेल रेस्पिरेशन? दैट इज एरोबिक, और दूसरी कौन सी है? एनारोबिक। एरोबिक मींस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन नहीं होगी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस डज नॉट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। बट क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीट ब्रेक डाउन करती है यहां पर, तो यहां पर बेटा लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, जबकि यहां पे क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो यहां पे लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इज इट ओके? सो एरोबिक एंड एनारोबिक में डिफरेंसेस, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी, एनारोबिक प्रोड्यूस लेस एनर्जी, यस और नो? अब एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा जो यीस्ट है, एग्जाम्पल है यीस्ट, ध्यान से इधर बात देखनी है, यीस्ट क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है टू फॉर्म एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेक्शन फोर बेटा बातें नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी राइट, बट इसमें दैट इज व्हाई, बिकॉज यीस्ट इज प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, एल्कोहल वो बाहर एक्सक्रीट करता है एनर्जी, यीस्ट एनर्जी ले लेता है। यीस्ट क्या है? अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। हम क्या करते हैं बेटा, जहां पे हार्ड ड्रिंक्स बनती है ना, बियर बन रही है या अल्कोहल मतलब वाइन बन रही है, तो वहां पे फॉर एग्जांपल ग्रेप्स लिए,
है ना, आपने सुना भी होगा कि जब शराब बनती है तो क्या है, ग्रेप्स है ना, जो लोग घरों में शराब बनाते हैं वो क्या करते, ग्रेप्स को सड़ने देते हैं, राइट, तो और उसके ऊपर उसको मतलब ढक के रख देते हैं, उसको कुछ नहीं करते, सड़ने देते हैं, उसमें यीस्ट डाल देते हैं, राइट, ये जो यीस्ट है ये डाल देते हैं, तो ग्रेप्स में सड़ती है, उसकी शुगर्स बाहर निकलती है, तो यीस्ट जो है उसकी शुगर ग्लूकोज को यूज करता है, उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो यीस्ट खुद के लिए यूज करता है, अल्कोहल बाहर ही रहने देते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रेप्स की सारी शुगर किसमें चेंज होगी, सारा ग्लूकोज किसमें चेंज हो गया, अल्कोहल में चेंज हो गया, फिर हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, जब फिल्टर कर लिया जो ग्रेप्स के छिलके छुलके हैं वो सब अलग हो गए, एंड शराब जो है वाइन, या वाइन तो नहीं है बट जो अल्कोहल है वो अलग हो गई, इज इट राइट, सो यीस्ट इज यूज्ड, ये तो मैंने बता दी जो घरों में काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रिवरीज है वहां पर भी यीस्ट यूज होती है, बट इन वेरी गुड कंडीशंस, अच्छी तरह वहां पे हवा धूप ये सब है, स्टरलाइज्ड है, कोई बैक्टीरिया ना आए, कोई इंफेक्शन ना हो जाए, ये सब है, अदरवाइज यीस्ट इज यूज्ड इन ब्रूइंग, ब्रूइंग मीन्स मेकिंग अल्कोहल, ठीक है, क्यों, बिकॉज यीस्ट यूजेस शुगर एंड प्रोड्यूस अल्कोहल, और आपने घरों में केक्स बनाते हो, केक्स पेस्ट्रीज ब्रेड्स तो कम लोग बनाते हैं घर में, तो उसमें वेरी गुड, तो उसमें जो है जनरली मम्मा क्या डालती हैं, मदर्स, उसमें तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, बट अगर बहुत लार्ज स्केल पे करना हो ना बेटा तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, तो जो बड़े बड़े बेकर्स है जिनकी बेकिंग की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, व्हाट दे यूज यू नो यीस्ट, वो जो आटा गूंधते हैं ना या केक का मिक्सचर बनाते हैं उसमें क्या डाल देते हैं, यीस्ट डाल देते हैं, यीस्ट क्या प्रोड्यूस कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, तो जब हम उस मिक्सचर को हम अवन में रखते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होके और हल्की होती है और वो बाहर जाती है, जब वो आटे में से बेकिंग हो रही है और जब वो ब्रेड वाले मिक्सचर से CO2 बाहर जाएगी तो उसके अंदर छोटे 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 छेद कर देगी, जिसकी वजह से ब्रेड जो है इट इज सो पोरस, होती है ना ब्रेड सॉफ्ट होती है, केक कितना सॉफ्ट होता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर छोटे 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 पोर्स है, कैसे बने पोर्स, कि व्हेन द हीट कम्स द CO2 इट वार्म्स अप, हल्की हो जाती है और वो धीरे धीरे ब्रेड में से बाहर निकलती है, एंड व्हेन इट कम्स आउट इट लीव स्मॉल पोर्स इन द ब्रेड, इज इट राइट, ठीक है, ब्रेड एंड केक्स, एम आई राइट, तो यीस्ट किसमें यूज हो रही है बेटा, यीस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रूइंग, ब्रूइंग इज मेकिंग एल्कोहल्स, इन ब्रूइंग इंडस्ट्री एल्कोहल पार्ट इज यूज्ड, वेयर एज इन बेकिंग इंडस्ट्री CO2 पार्ट इज यूज्ड, जो एल्कोहल है वो भी इवेपोरेट हो जाती है, बनती तो वहां पर भी है, जब हम बेकिंग कर रहे हैं तो उस मिक्सचर में भी थोड़ी एल्कोहल बनती है बट वो इवेपोरेट हो जाती है, थोड़ी सी बनती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जब लीव करती है देन इट क्रिएट पोर्स, राइट, और ब्रूइंग में बहुत सारी एल्कोहल जो बन रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको आगे हम प्योरीफाई करके आगे ड्रिंक्स बना रहे हैं, सो यीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, क्या हमारी बॉडी में, ऑल्दो हम तो ऑक्सीजन बहुत सारी ले रहे हैं बट डू यू नो दैट सम सेल्स ऑफ अवर बॉडी ऑल्सो दे शो एनारोबिक रेस्पिरेशन, यस एनीबडी, हाँ जी देर इज वन बॉय, हाँ जी हाँ जी आगे आ जाओ सेक्शन 3, यस मैम, कौन कौन सी है, मैम आर मसल सेल्स कैन प्रिपेयर एनारोबिकली व्हेन वी रन वेरी फास्ट, वेरी गुड, सो एनारोबिक रेस्ट, बैठो बेटा, वेरी गुड, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक मसल सेल्स में है और एक मैं और आपको बताऊंगी, सो इन ह्यूमंस
Anaerobic respiration occurs in muscles of our limbs during strenuous. Strenuous मतलब बहुत ज्यादा हम भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग हम कह सकते हैं, ओनली ड्यूरिंग. वैसे तो मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन है, बट ओनली ड्यूरिंग एनारोबिक स्टर्नुअस एक्सरसाइज. और दूसरा है इन रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, तो आपको मसल्स का पता है, आपको रेड ब्लड सेल्स का नहीं पता था. द न्यू थिंग यू आर लर्निंग दैट अवर रेड ब्लड सेल्स दे शो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज. ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में हमेशा ही एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जबकि जो हमारे मसल्स है वो सिर्फ जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ओनली उस टाइम जब हम रनिंग बहुत कर रहे हैं, ओनली एट दैट टाइम दे शो एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, राइट. ठीक है बेटा, बट अब हमारी जो है अनदर लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, कि हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में दैट इज ग्लूकोज, इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. Right, so this lactic acid, it causes muscle spasm, isn't it? Muscle spasm. बेटा कभी आप गए हो हेमकुंड साहब या वैष्णो देवी गए हो कभी? है ना, वहां पे अगर सीढ़ियां चढ़ने लगो, है ना, 100-150 सीढ़ियां चढ़ो, 100-150 अगर सीढ़ियां चढ़ो, तो कुछ आप तो चलो यंग हो, आई होप आप तो एक बार में चढ़ जाओगे, बट आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ सीढ़ियां चढ़ के फिर वो रुक जाते हैं कि अब हमसे चला ही नहीं जा रहा. एंड यू मस्ट हैव फेल्ट सम टाइम, बहुत भागते हो, फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है, क्लास है, बहुत भागे भागे, और एक बार ऐसे लगता है कि अब तो हमारी टांगे चल ही नहीं रही. हैव यू फेल्ट एनी टाइम? है ना, तो उस टाइम क्या है कि हमारे मसल्स में पेन शुरू हो जाती है एंड मसल स्पैज्म हो जाता है. राइट, तो इसके बारे में हम, मसल स्पैज्म के बारे में हम कल करेंगे. हम जल्दी से, लेट मी आस्क यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन? जल्दी से, हु विल टेल मी? सेक्शन 4 में से कोई बच्चा? देखो फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा बेटा. यस, नैतिक. नैतिक इज देयर क्रोकस में से? नैतिक आज नहीं आया. विदित, लेवेंडर, विदित जल्दी से मुझे बता दो, 3 मिनट्स आर लेफ्ट. है ना, ये टॉफी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन? विद इट, डाइजेशन में हम किसको तोड़ते हैं और रेस्पिरेशन में किसको तोड़ते हैं? जल्दी से, हाँ बेटा, यहीं पे रहना आप. यस, हु विल टेल मी, हु विल From section 4, who will? Yes, आके बताओ, आके बताओ, और विदित को भी बताओ. हाँ, mam, digestion is that when we upgrade complex foods of transfer into simpler substances. And respiration? Mam, we digest simple food. Yes, हम digest नहीं, burn आप कह दीजिए, burning of simple food. ठीक है विदित, क्या बोला? Digestion is? Yes, digestion is, विदित बताएगा. हाँ जी,
ब्रेक डाउन ऑफ कौन सा फूड, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, सिंपल को तो नहीं ना हम कर सकते, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फूड, एंड सेल रेस्पिरेशन इज बर्निंग ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी, राइट। बैठो बेटा, नेक्स्ट है अनवी लेवेंडर। अनवी लेवेंडर आ जाओ, आ जाओ बेटा। विच प्रोसेस रिलीजेज एनर्जी, डाइजेशन की रेस्पिरेशन, दोबारा से, रेस्पिरेशन की डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रिलीजेज एनर्जी, वेरी गुड। बैठो बेटा, बैठो। नेक्स्ट दिया, डेलिया, दिया, डेलिया, नो, खुशी, लेवेंडर, ओके मैम, देन तुषार इज देयर, ओके मैम, तुषार इज देयर, क्रोकस, तुषार जल्दी से बताइए कि आउट ऑफ ब्रीदिंग एंड सेल रेस्पिरेशन विच इज फिजिकल विच इज केमिकल, बिल्कुल ठीक है, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, वेरी गुड। देन मेघा, डेलिया, आर्यवीर, स्नोड्रॉप, चलिए जी बेटा, अब आपने मुझे ये बताना है बेटा कि विच ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बियर एंड वाइन, यीस्ट इज यूज्ड इन फॉर्मिंग बियर एंड वाइन, वेरी गुड। बैठो बेटा, इन एडिशन टू स्केलेटल मसल सेल्स या इन एडिशन टू मसल्स, विच अदर सेल्स ऑफ अवर बॉडी यू नो अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जल्दी से भागकर फटाफट से इधर से आ जाओ, सेक्शन थ्री, रेड शर्ट, हाँ जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वेरी गुड। ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, इट इज द रेड ब्लड सेल्स विच फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यू एंड वी विल मीट टुमारो ऑल्सो विथ सम फ्यू न्यू थिंग्स, राइट, ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू, बाय बेटा, बाय बाय।